सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की जो जॉब वैकेंसी है वो आ रही है आज रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है एंड मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप आप कैसे करोगे और कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा, क्या प्रोसेस रखा गया है, सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो जा करके कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे टोटल पोस्ट जो रखी गई है वो यहाँ पे 3,115 टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर 8th 10th 12th ITI अगर आपने पास कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे 14,500 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे RRCER की तरफ से, यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए है, और कौन कौन से ITI कैंडिडेट कौन कौन से ट्रेड से जो है अप्लाई कर पाएंगे, सारा प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख ही पा रहे हैं रेलवे RRCER अप्रेंटिसशिप जॉब रिक्रूटमेंट 2022 एंड टोटल पोस्ट यहाँ पे भी आपको देख सकते हो यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी हैं जो कि 3,115 टोटल पोस्ट हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन के लिए हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो को शुरू से लेकर के और एंड तक देखते रहना, पूरा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, आपका जो कैसे सिलेक्शन होगा और कितनी पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं, ठीक है, और आप कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं कौन कौन नहीं है, सारा जो डाटा है सारा जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है। तो आप यहाँ पे जो है इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को जो है जरूर से जरूर पढ़ लेना। एंड यहाँ पे देख सकते हो टोटल पोस्ट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा रखी है, RRC रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई नाउ, और यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम रेलवे RRCER अप्रेंटिसशिप जॉब डिटेल्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे जो कि मैं टोटल ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया जो कि यहाँ पे 3,115 टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। एंड यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे हु कैन अप्लाई फॉर RRCER अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ आपको, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई इन RRCER अप्रेंटिसशिप, और RRCER अप्रेंटिसशिप में महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट जो है आवेदन कर पाएंगे। RRC की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई हैं RRCER की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप के लिए, उसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो यहाँ पे देख सकते हो रेलवे ER अप्रेंटिसशिप एज लिमिट, तो यहाँ पे देख सकते हो न्यूनतम जो आयु है वो 15 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम जो आयु है वो यहाँ पे 24 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। रेलवे RRCER अप्रेंटिसशिप नियमों के अनुसार आयु में छूट भी अतिरिक्त है, आप अपने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे आप देख पाओगे, और RRC की तरफ से जो यूनिट एंड डिविजन्स नेम रखे गए हैं वो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे डिवीजन दे रखी है और उस डिवीजन में कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने डिवीजन के हिसाब से भी आप पोस्ट को देख पाओगे और कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो भी ऑफिशियल ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं RRC की तरफ से, RRCER अप्रेंटिसशिप की तरफ से क्या रखी गई है, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे क्लास 10th होना चाहिए यानी हाई स्कूल होना चाहिए, और आपके पास जो ITI का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे होना चाहिए, चाहे आपका NCBT से हो, ठीक है, NCBT से होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो, और रिलेटेड जो ट्रेड रखी गई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अप्लाई मोड की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे अप्लाई मोड जो रहेगा देख सकते हो RRCER अप्रेंटिसशिप यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑफ थ्रू ऑनलाइन, और गाइस यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म को जो है भरना होगा, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। RRCER अप्रेंटिसशिप हालांकि निम्नलिखित ट्रेडों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा के पास होना चाहिए, कौन कौन सी ट्रेड हैं वो 8वीं पास होना चाहिए, वो ट्रेड कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे ये जो ट्रेड रखी गई हैं वेल्डर की है, इसमें 8वां पास मांगा गया है, सीट मेटर वर्कर की है,
लाइनमैन की है, वायरमैन की है, बढ़ई की है, पेंटर की है, ये होना चाहिए इनके लिए। आप 8वीं पास भी हैं तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। एप्लीकेशन फ़ीस के प्रोसेस की अगर बात करें हम, RRCER अप्रेंटिसशिप की तरफ से जो क्या रखी गई है, तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का शुल्क है, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 0 रुपये का शुल्क है, आल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये का शुल्क है, और कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल पंजीकृत ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा जो आपसे शुल्क मांगा गया है। कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ऑन वेबसाइट जो हुई है अपडेट, वो 23/9/2022 को हुई थी। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30/9/2022 को हुई थी। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रखी गई है वो 29/10/2022 को रखी गई है। बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई RRC की तरफ से, जो आपको अप्लाई का प्रोसेस है वो कैसे करना होगा, कैसे आप ऑनलाइन को फॉर्म को भर सकते हो। चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे A to Z आपको बता देता हूँ। तो गाइज, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप जो है प्रोसेस करोगे तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन कर पाओगे, ठीक है। तो ऑनलाइन करने के लिए अपने मोबाइल में आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है, जैसे कि क्रोम वगैरह ब्राउजर है और भी बहुत सारे ब्राउजर होंगे, तो आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद गूगल पर आना है आपको इस तरह से, ठीक है। अब गूगल पर आने के बाद यहाँ पे जो है आपको टाइप करना होगा आल जॉब टाल्क, देख सकते हो गाइस यहाँ पे ALL आल जॉब और TALK टाल्क, आल जॉब टाल्क आपको टाइप करना है। देन टाइप करने के बाद जैसे सर्च करोगे आपको यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट टैब पर ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, www.aljobtalk.in, ठीक है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह से। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ दिखेगा आपको फॉलोवर का ऑप्शन, ठीक है, फॉलोवर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे फॉलो नहीं कर रखा भाई, जरूर से फॉलो कर लेना, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ आपको क्लिक करने में, देन ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। इस फॉलो करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी यहाँ पे आर्टिकल डाला जाएगा आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जरूर से फॉलो कर लेना, जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो जरूर से फॉलो कर ले। और उसके बाद में आप जो थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको रेलवे RRCER अप्रेंटिसशिप जॉब रिक्रूटमेंट 2022 3115 टोटल ऑफ पोस्ट, तो इसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सारी की सारी डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे जब आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ऑनलाइन के ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का है, और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का है, ठीक है, अदर वैकेंसी डिटेल्स का है, ठीक है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो मान लीजिए अगर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिकर पे आपको क्लिक कर देना इस तरह से, एंड क्लिक करोगे तो आप एक नई विंडो पर ओपन हो जाओगे, जैसा कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे जो अभी जो भी निर्देश है उनको पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी ट्रेड है वो यहाँ पे देख ही पाओगे। उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसेस्ड पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से, एंड इस तरह से जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपकी ट्रेड पूछी जाएगी कि आपने कौन सी ट्रेड कर रखी है, तो मैंने यहाँ पे जो कर रखी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन चूज करूंगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपके एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे आपके जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, ठीक सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है, कैंडिडेट का नेम है यहाँ पे, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, कम्युनिटी आप OBC में हैं, जनरल में है, SC में है, ST में है, किस में आते हैं वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का है, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो एज है वो बता देगा यहाँ पे, जेंडर मेल है फीमेल है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है, रिलीजन हिंदू है या फिर मुस्लिम है वो यहाँ दे सकते हो, एंड उसके बाद आधार कार्ड नंबर देना होगा, ठीक है, एक्स सर्विसमैन तो नहीं हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे जो पूछी जाएंगी, ईमेल ID वगैरह, मोबाइल नंबर, ठीक है, एड्रेस को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, और स्टेट में आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो मैं उत्तर प्रदेश से करता हूँ, उत्तर प्रदेश को चूज कर लूंगा यहाँ पे। एंड उसके बाद सारी डिटेल्स आपको जो है इस तरह से ही आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पोस्ट, पिन कोड, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी होगी। अगर आपका एड्रेस सेम है दोनों तो यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद आपके यहाँ पे जो अगर आपने 8th कर रखा है तो 8th की आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी, कौन से सन में पास किया, कितने नंबर हैं, कितनी परसेंटेज है। उसके बाद में 10th का जो सर्टिफिकेट है,
टेंथ की जो मार्कशीट है उसकी अकॉर्डिंग आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको भरनी होगी, आईटीआई की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आईएस कैप्ट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड दिख रहा है ये यहाँ पे डालोगे, उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आगे जो ऑप्शन खुलेगा आपका वो खुलेगा फोटो एंड सिग्नेचर का, ठीक है। तो फोटो एंड सिग्नेचर एंड मार्कशीट का अगर पूछा जाए तो अपलोड करने के बाद आपको सारी मार्कशीट जो है लगा देनी है, और लगाने के बाद आपको जो अगर आप एससी में हैं या ओबीसी में हैं वो आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद उसको जो फीस है वो यहाँ पे आपको काट देनी है, काटने के बाद आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो प्रिंट आउट आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो, किसी तरह का सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगा।